हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश, और आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियो ट्रिक के साथ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, जैसे मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, पहला मैंने आपको बताया होमोलॉगस सीरीज कैसे छांटते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे, इसके बाद और पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो ये पॉइंट्स आपके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है, बिना इसके आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बातें करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और इसमें आपको ज्यादा पूछता है कि कितने, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी ओलिफिनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एसिटिलिनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में आपको ओलिफिनिक और एसिटिलिनिक बॉन्ड के बारे में बताया है कि मतलब क्या होते हैं ये बॉन्ड। ठीक है, एसिटिलिनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सिग्मा बॉन्ड कैसे छांटते हैं और पाई बॉन्ड कैसे छांटते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे छांटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहला देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग पहले सीखेंगे sp3 पाई रूल, एक छोटी सी ट्रिक है sp3 पाई रूल। तो जितने सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जितने डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जितने ट्रिपली बॉन्डेड जितने कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंगली बॉन्डेड sp3, डबली बॉन्डेड sp2, ट्रिपली बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है sp3, ठीक है ये डबल बॉन्डेड है, ये देखिए इधर से डबल बॉन्डेड है तो sp2, ये देखिए डबल बॉन्डेड sp2, ये देखिए इधर से डबल बॉन्डेड sp2, ये देखिए इधर से ट्रिपल बॉन्डेड sp, ये देखिए ट्रिपल बॉन्डेड sp। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन की बात आपकी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग सीखते हैं कि हाउ मेनी, हमें जो मेन टॉपिक हमें सीखना है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी ओलिफिनिक एंड हाउ मेनी एसिटिलिनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि ओलिफिनिक बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, एसिटिलिनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक छूट गया था, 10, ठीक है, अभी आपका एक और छूट गया, 11। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके 11 जो हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड में तो एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें दो पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने इसमें एक सिग्मा बॉन्ड काउंट किया। ठीक है, अब इसके बाद पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, अब पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ठीक है दो पाई बॉन्ड। अब देखिए इसमें क्या है, दो पाई बॉन्ड, दो और दो चार पाई बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए, आपके चार जो हो गए वो पाई बॉन्ड हो गए। तो ऐसे आपके पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर्स पूछे जाते हैं। इन दोनों का नंबर्स आपको छांटना अगर आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियो ट्रिक के साथ अगर चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और धन्यवाद, जय हिंद।